नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, पहले चरण का मतदान भी खत्म हो चुका है और दो चरण के मतदान अभी 3 नवंबर और 7 नवंबर को होने बाकी हैं, जिसकी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और पार्टी के प्रत्याशी के हक में जनता से वोट देने की अपील की। साथ ही साथ अपने भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही और क्या कुछ कहा है सीएम नीतीश कुमार ने, आप देखिए इस वीडियो में। क्या किया? जल जीवन हरियाली अभियान बताइए, पर्यावरण के प्रति भी जागृति, तो हम तो काम करते रहते हैं। अगर अगली बार मौका दीजिएगा फिर पहुंच जाएंगे, अगर कहीं कोई चीज बच गया है तो उसको भी देख लेंगे। और कैसे ये पूरा हो सकता है ये काम, तो हम आप सबसे यही अनुरोध करेंगे कि भाई हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं लक्ष्मीकांत मंडल जी, ये सेवा करने वाले व्यक्ति, इस आदमी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। बहुत लोगों का स्वार्थ रहता है भाई, बात तरह तरह की करेंगे, इनका कोई स्वार्थ नहीं, ये आपके सेवक हैं और आपकी सेवा ही करेंगे। इसलिए हम आप सबसे अपील करेंगे कि इनको पुनः भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही आग्रह और निवेदन कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद करके जाए, दिखाइएगा इनको, हाथ उठा के बताइए। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरह विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही साथ उन्होंने उनके पार्टी के प्रत्याशी के हक में वोट देने की नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर की जनता से अपील भी की है। वहीं आपको बता दें कि अब दो चरण के मतदान अभी होने बाकी हैं, साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि आखिरकार बिहार में सरकार किसकी बनेगी। क्या नीतीश कुमार की ये जनसभा उनके पार्टी के प्रत्याशी की जीत में मदद करेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बिहार विधानसभा चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। देखते रहिए नेशन न्यूज़ को। धन्यवाद।